हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम पर बेस्ड हैं, तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर कम हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है? तो जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल जल में घुल करके पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और ये ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयनों को प्रदान करते हैं। और इसी के जगह पे दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो जल में घुल करके आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं और ये कम हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल हैं। तो ये जो है ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करेंगे और जबकि एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है और ये कम हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसको एथनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? ये सिरका में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे दिया गया है सभी रज्जुकी यानी कि कॉल डेटा, तो इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं कॉल डेटा की, तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो कॉल डेटा यानी कि कॉल डेटा संघ के प्राणी कौन से होते हैं? ऐसे प्राणी जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, ठीक है, मेरु रज्जू पाई जाती है उनको रज्जुकी या कॉल डेटा कहते हैं और जिनमें नहीं पाया जाता उनको नॉन कॉल डेटा कहते हैं। तो इसकी पहली विशेषता दी गई है, इनमें पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है। तो पृष्ठीय तंत्रिका नाल कॉल डेटा में होती है जबकि जो नॉन कॉल डेटा होते हैं उनमें आधारीय तंत्रिका नाल होती है। तो यहाँ पे ये सही होगा, सही कथन होगा। फिर दिया गया है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय। तो कॉल डेटा जो होते हैं वो द्विस्तरीय नहीं होते हैं बल्कि त्रिस्तरीय होते हैं यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये जो है डिप्लोब्लास्टिक वाला कथन गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है कोलोमेट होते हैं, तो कोलोमेट का मतलब सीलोम इनमें पाया जाता है। कोलोमेट कहेंगे या सीलोमेट कहेंगे तो इनमें सीलोम पाया जाता है। सीलोम क्या होता है? बॉडी वॉल और आहार नाल के बीच एक स्पेस होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, तो इसी स्थान को बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। तो जो कॉल डेटा होते हैं इनमें सीलोम पाया जाता है, तो ये सीलोमेट या कोलोमेट होते हैं, तो ये भी सही कथन होगा। फिर दिया गया है इनमें मेरुदंड होता है, तो कॉल डेटा में मेरुदंड होता है, इनके पूरे जीवन में मेरुदंड जो है किसी न किसी रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पे ये भी सही कथन होगा। तो गलत कथन केवल ये है ऑप्शन बी, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं बल्कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें तीन स्तर होता है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन स्तर इनमें पाया जाता है। जबकि जो नॉन कॉल डेटा होते हैं वह द्विस्तरीय होते हैं या त्रिस्तरीय भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु यानी नॉन मेटल कौन सी है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन ये एक नॉन मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, ठीक है। और ये तरल अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर में और ये लाल भूरे रंग की होती है, ठीक है। और पारा भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है लेकिन ये धातु होती है, मेटल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम प्रतिरोध में रखा जाता है, प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा होगी। तो यहाँ पे दिया गया है विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है और 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा यानी कि आवेश बता रहे हैं, ठीक है, चार्ज बताना है कितना होगा। तो विद्युत धारा का मान I=2 कितना होता है? Q/T, आवेश बटे समय, ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहाँ पे हमें आवेश बताना है, क्यू बताना है, तो Q=2 क्या हो जाएगा? I×T हो जाएगा, ठीक है। और I का मान दिया गया है 2 एम्पियर और T का मान कितना दिया गया है? 1 मिनट, और इसको सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो 60 × 120 कूलाम जो है ये आ जाएगा आवेश का मान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 120 कूलाम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो किसी हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं CH4 यानी मेथेन ले लेते हैं और इसका पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबर्शन होगा तो क्या प्राप्त होगा? तो कंप्लीट कंबर्शन यानी कि पूर्ण दहन होगा यानी ऑक्सीजन से क्रिया होगी, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पे बनता है CO2 और इसके अलावा H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा और यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक भिन्नता प्राप्त होती है? तो लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अधिक भिन्नता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो अगर कोई पिंड है वो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो वो किस स्थिति में होता है? वो भारहीनता की स्थिति में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भारहीनता। भारहीनता क्या होती है? तो हमें भार क्यों महसूस होता है? अगर हम किसी सरफेस पर खड़े हैं, मान लीजिए पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर अगर हम खड़े हैं तो हमें भार क्यों महसूस होता है? क्योंकि पृथ्वी जो ग्रेविटी लगाती है नीचे की ओर हमें खींचती है, तो इस सतह के द्वारा प्रतिक्रिया बल जो लगता है ऊपर की तरफ उसी के कारण हमें भार महसूस होता है। तो जब यहाँ पे हम मुक्त रूप से गिर रहे तो कोई सरफेस नहीं है, ठीक है, तो जब कोई सरफेस नहीं होगा तो हमें ऊपर की ओर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं महसूस होगा, तो हमें भार इस कारण से महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो वो स्थिति कैसी स्थिति होगी? भारहीनता की स्थिति होगी। और इसी तरह से लिफ्ट में अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त रूप से लिफ्ट गिरने लगेगी और उसमें जो खड़ा हुआ व्यक्ति होगा उसको भारहीनता महसूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारहीनता। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को कहा जाता है? तो जो अंडाणु होता है यानी मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। तो अंडाणु और शुक्राणु ये आपस में निषेचित होकर के क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं, ठीक है। तो जो जायगोट होता है यही आगे चल के भ्रूण बनता है, और भ्रूण जो होता है जब ये एकदम शुरुआती अवस्था में होता है तो इसको जो पोषक पदार्थ होते हैं वो किससे मिलते हैं? तो वो मिलते हैं अंडाणु से। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मादा युग्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है? स्क्लेरेन्काइमा ये पौधे में पाया जाने वाला एक सरल ऊतक का प्रकार है, ठीक है, एक टिशू है ये, और ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, और ये डेड सेल्स होती हैं एक प्रकार की, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और लिग्निन से बनी होती है, और इसी लिग्निन के कारण जो है इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लिग्निन के कारण की कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो छाल होती है, जो छाल वाले पौधे होते हैं, तो छाल आप देखते होंगे कठोर सी होती है, मृत कोशिकाओं की बनी होती है, तो वो क्या होती है? वो स्क्लेरेन्काइमा ही होती है। इसी तरह से नारियल का जो खोल होता है तो वो कठोर सा जो आवरण होता है वो स्क्लेरेन्काइमा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो विद्युत के तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस पर कौन आधारित नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन यानी कि प्रेस हो जाएगा आपका आयरन, और इलेक्ट्रिक टोस्टर तो ये भी जो है हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है, और इलेक्ट्रिक केटली ये भी जो है विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित है ये तीनों। इलेक्ट्रिक घंटी यानी कि इलेक्ट्रिक बेल जो है ये विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक घंटी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के समय कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो ध्वनि क्या है? ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसमें जो है संचरण कैसे होता है? तो इसमें एक होता है संपीडन और एक होता है विरलन। संपीडन और विरलन के माध्यम से इसमें जो है संपीडन और विरलन के माध्यम से इसमें ध्वनि का संचरण होता है। संपीडन यानी कि कंप्रेशन और विरलन यानी कि रेयरफैक्शन। तो माध्यम में जब कण पास पास आ जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं संपीडन, और जब ये दूर दूर जाते हैं तो उसको कहते हैं विरलन, ठीक है। तो उच्च घनत्व, जब पास पास आ जाएंगे तो उस समय डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, घनत्व तो उच्च हो जाएगा, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संपीडन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपीडन या कंप्रेशन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो हीलियम यानी कि एच ई, तो ये एक तत्व है, ठीक है, ये अक्रिय गैस होती है, तो हीलियम एक तत्व है, कॉपर ये भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, पानी क्या है, ये एक यौगिक है, क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दो अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना है, तो ये जो है क्या है, एक यौगिक हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक यौगिक है पानी, और बाकी हीलियम कॉपर ऑक्सीजन ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वो डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कोई सरफेस है उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इधर से अगर मैं पुश करूँ इसको, तो इस पर घर्षण बल कार्य करेगा, ये जो सतह है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो निचली सतह है, इन दोनों के बीच में घर्षण बल कार्य करेगा, जो मैंने यहाँ पे पुश किया, जो मैंने बल लगाया, ठीक है, उस पर ये उस बल का अपोज करेगा, ठीक है, तो ये निगेटिव कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये सड़क है और इस पर कोई कार चल रही है, इस पर कोई कार चल रही है इधर की तरफ, तो ये कार अगर इस पर कोई बल लगाएं तो ये धीरे धीरे जा करके एक स्थिति ऐसी होगी कि ये रुक जाएगी। तो ये क्यों रुक जाती है, क्योंकि टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा होता है, तो घर्षण बल के द्वारा निगेटिव कार्य किया जाता है, ठीक है, तो कार्य का लेकिन क्षय नहीं होता है, कार्य किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यहाँ हो जाएगा तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जब भी घर्षण होता है तो ताप उत्पन्न होता है, वहाँ पे टेम्परेचर एक उत्पन्न होता है, अगर आप अपनी हथेली को रगड़ते हैं तो हथेली जो है गर्म हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, तो इनमें से कौन जो है कभी अकेले नहीं होता, बल या वेग या गति या दबाव? तो बल जो है कभी अकेला नहीं होता, न्यूटन का आपने तीसरा नियम पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम बल लगाते हैं तो अपोजिट साइड से जो है उतना ही बल लगता है उस वस्तु के द्वारा हमारे ऊपर, ठीक है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा लगता है, तो बल जब भी लगाएंगे तो प्रतिक्रिया बल साथ में होगा, तो ये कभी अकेला नहीं होता, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, ये बंदूक है, इससे जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक जो है गोली पर फोर्स लगाती है तो गोली आगे बढ़ती है, तो जब बंदूक गोली पर फोर्स लगाती है इस तरफ तो गोली भी इस पर फोर्स लगाती है उल्टी साइड में, इसीलिए बंदूक को झटका लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बल। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है, क्यों लंबी होती है, क्योंकि ये घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, तो घास और भूसा इन सब में क्या होता है, इसमें सेल्यूलोज होता है और इसका पाचन जो है आसानी से नहीं होता, तो इसका पाचन करने के लिए इनको जो छोटी आंत है इनकी काफ़ी लंबी होती है, ताकि इसमें भोजन काफ़ी देर तक पड़ा रहे, और इनकी जो छोटी आंत होती है इसमें एक बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया के कारण है, बैक्टीरिया ही जो है सेल्यूलोज का पाचन करता है, तो इस तरह से सेल्यूलोज इनकी आंत में पच पाता है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ठीक है, तो शाकाहारी जो जीव होते हैं जो जुगाली करते हैं, ठीक है, जो जुगाली करते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी इसी कारण से होती है, ताकि वो सेल्यूलोज का पाचन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण, जो कि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है, तो हम अपने कानों को और नाक को मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये उपास्थियों से बना होता है, इसमें उपास्थियाँ होती हैं, ठीक है, उपास्थियों की उपस्थिति के कारण हम कान को अपने मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, नाक को हम हिला सकते हैं, तो उपास्थियाँ यानी इनको कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या होते हैं, ये संयोजी ऊतक होती हैं एक प्रकार की, और ये इलास्टिक टिशू होती हैं, स्मूथ और इलास्टिक टिशू होती हैं, और ये किससे बनी होती हैं, तो ये कोलेजन फाइबर से और इलास्टीन फाइबर से बनी होती हैं, तो इन्हीं उपास्थियों के कारण जो है हम अपने कान को मोड़ पाते हैं या फिर हम हिला पाते हैं नाक को और कान को, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो कोई अवतल दर्पण है, यहाँ दिए गए हैं अवतल दर्पण, तो ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पोल हो जाएगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र मान लेते हैं, तो इसके ठीक बीचों बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, तो यहाँ दिया गया है वस्तु को
वक्रता केंद्र पर ही रखा गया है। तो वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब भी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ कहीं पे मिलेगा। तो ये वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, ठीक है। तो ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे दिया गया है परमाणु संख्या 19 है, द्रव्यमान संख्या दिया गया है 39, एटॉमिक मास दिया गया है 39। तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ही जो है द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास होती है। और परमाणु संख्या क्या है? 19। और परमाणु संख्या जो होती है ये प्रोटॉनों की संख्या को ही एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं। तो पी जो है क्या है? 19 है, और न्यूट्रॉन हमें बताना है, और ये क्या है? 39, 39 के बराबर है। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 39 से अगर हम 19 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या, और ये कितनी होगी? ये हो जाएगी 20। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है? तो दूसरा जो समूह होता है आवर्त सारणी का, वो क्षारीय मृदा धातुओं का समूह होता है, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इसको याद करने की मैंने ट्रिक आपको बताई थी, एक बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी। तो इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे स्कैंडियम और पोटेशियम ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप के तत्व तो नहीं है। मैग्नीशियम आपका सेकेंड ग्रुप में आता है, कैल्शियम भी आता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मैग्नीशियम का होता है 12 और कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 2, 2 8 10 2 12। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 2, 2 8 10 8 18 2 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो कक्षों की संख्या होती है वो आवर्त संख्या भी बताती है। तो अगर तीन कक्षाएं हैं तो यानी कि ये तीसरे आवर्त का तत्व है, यहाँ पे चार कक्षाएं हैं तो यानी कि ये चौथे आवर्त का तत्व है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कैल्शियम जो है दूसरे ग्रुप का तत्व है और चौथे पीरियड का तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? तो हमारा जो स्टमक है उसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है यानी कि अम्ल ज़्यादा हो गया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए हमें? क्षार चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा का घोल, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा इसको कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। तो ये क्षार होता है, तो इसका अगर हम घोल लेंगे तो ये जो हमारे स्टमक में अम्ल ज़्यादा हो गया है तो उसको ये न्यूट्रल कर देगा, तो एसिडिटी ठीक हो सकती है इस तरह से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा का घोल। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन फैमिली की, तो इसमें अगर सेम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी इसको कहेंगे हिंदी में, तो एक ग्रुप ले लेते हैं एल्केन। एल्केन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे मेथेन होगा पहला कंपाउंड, पहला कंपाउंड हो गया मेथेन, फिर एथेन हो जाएगा आपका। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। एथेन का क्या होता है? C2H6। उसके बाद क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन का C3H8। और फिर जो है ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो यहाँ पे देखें कार्बन के एटम की बात करें तो कार्बन का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है। तो प्रत्येक सदस्य में कार्बन के एक एटम का अंतर है, तो कार्बन का हम एक एटम ले लेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, यहाँ छः है, यहाँ आठ है, यहाँ दस।
तो यहाँ पे कार्बन के दो एटम्स का अंतर है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन के दो एटम का अंतर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम, तो यहाँ पे प्रत्येक सदस्य में किसका अंतर है, सी एच टू का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे अगर सी एच फोर में हम सी एच टू जोड़ दें तो हो जाएगा सी टू एच सिक्स, सी टू एच सिक्स में सी एच टू जोड़ दें तो हो जाएगा सी थ्री एच एट, तो सी एच टू का अंतर है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं सी का जो है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 U होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 U होता है, 1 U होता है, और दो एटम है तो इसलिए 2 U हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 U, ठीक है। तो प्रत्येक सदस्य के अगर एटॉमिक मास की बात करें तो 14 U का अंतर होता है, तो यहाँ पे सी एच टू का अंतर होता है, या 14 U का अंतर हम कह सकते हैं। और सी एच टू को हम क्या कहेंगे, तो सी एच टू जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन अगर होता तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कह ये होता है एल्कीन ग्रुप का मेंबर, एल्कीन ग्रुप, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन ग्रुप का, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो अगर कार्बन का एक एटम हो तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 2n होगा, यानी कि उससे डबल होगा, तो यहाँ पे भी ये कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन का दो एटम है, डबल है, तो यानी कि ये एल्कीन ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे कार्बन का अगर एक एटम होता है तो वो क्या होता है, मेथ उसको कहते हैं, शुरू में मेथ लगाते हैं, और एल्कीन ग्रुप का है तो इसको क्या कहेंगे, मेथिलीन कहेंगे, तो यहाँ पे सी एच टू का अंतर होता है, या इसको हम मेथिलीन कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा कंपाउंड होता सी एच टू नाम से तो वो क्या होता, वो मेथिलीन होता, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेथिलीन। अगला क्वेश्चन है, किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर पानी में घोलेंगे तो जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 1/2 H2O, ठीक है। इसमें अगर हम वाटर मिलाते हैं, इसमें अगर हम वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जिप्सम में बदल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला, ये हो जाएगा जिप्सम, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको POP भी कहते हैं, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है, तो जिप्सम को अगर हम 150 डिग्री सेल्सियस पर लगभग गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर में टूट जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था, और ये थोड़ा सा गलत आया था, इसी तरह से ग्रुप डी में दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन या तो इस तरह से होना चाहिए था, एल्कोहल सीरीज के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है, या फिर मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है, इस तरह से पूछते तो ये क्वेश्चन सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है, तो मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल भी इसको कहते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, और जो है एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कार्बन यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर दो एटम है, तो कार्बन का एक एटम हो गया, एक एटम का अंतर है दोनों में, ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे तीन एटम है और यहाँ पे पांच एटम है, ठीक है, और इसमें तो समान ही है OH में, तो हाइड्रोजन का यहाँ तीन है, यहाँ पे पांच है, तो हाइड्रोजन के दो एटम का अंतर है, तो यहाँ पे भी CH2 का अंतर है। और मैंने पिछले हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि CH2 का अंतर जब होता है तो ये 14 U के बराबर होता है, एटॉमिक मास जो है किसके बराबर होता है, 14 U के बराबर होता है CH2 का, ठीक है। तो यहाँ पे 14 द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होगा, 14 का अंतर होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 14। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है, 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा है, तो यहाँ पर इनिशियल वेग दिया गया है 0, U = दिया गया है 0, और V दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग कितना दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम, तो m दिया गया है 10 किलोग्राम, तो हम पहले निकालेंगे टोटल एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है टोटल एनर्जी के बराबर होगा,
तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये होगा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे यू दिया गया है जीरो, तो जीरो से अगर गुणा होगा एम का या जीरो का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सब कुछ हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया जीरो, तो यानी कि एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हाफ इंटू एम कितना है 10 और वी कितना दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, 2 से ये हो जाएगा 5 बार और 5 चौक 20, तो ये आ गया 20 जूल, ये क्या आ गया एनर्जी। और यहाँ पे दिया गया है 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा बतानी है, तो औसत ऊर्जा क्या होगी एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, और इसको हम शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्य बटे समय या एनर्जी बटे समय क्या होता है शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 20 सेकेंड में टाइम दिया गया है 20 सेकेंड और एनर्जी कितनी आई है 20, तो 20 बटे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 वाट, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1 वाट। अगला क्वेश्चन है समरूप अंग हैं, तो समरूप अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन इनकी जो मूल रचना होती है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो जिस तरह से हुई होती है वो अलग अलग होती है, तो इनको क्या कहते हैं समरूप अंग कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के हॉल, ये दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इनकी रचना जो शुरुआत में हुई होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे समरूप अंग कहेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।